दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का डेली डायरी न्यूज में। दोस्तों अगर आप वाकई में आज रात आने वाले एपिसोड को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हम आपको बता दें कि आज रात आने वाले एपिसोड में आपको बड़ा घमासान देखने को मिलने वाला है, और ये जो घमासान है वो है यहाँ मुनव्वर और आयशा का घमासान, जहाँ आप कह सकते हैं कि मुनव्वर ने मान लिया है कि हाँ भाई वो जो है डबल डेट कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने यहाँ ये बोल दिया है कि मैं ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि मैं जो है यहाँ डेट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं जो है डेट नहीं कर रहा था। दरअसल वो जो है यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं ये नाजला के बारे में। उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है इसको हैंडल कर पाऊंगा, मुझे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं जो है यहाँ डेट कर रहा हूँ नाजला को, क्योंकि यहाँ लोग यही चाहते थे, कहीं ना कहीं मैं जो है बताना नहीं चाहता था लोगों को, यही यहाँ मुनव्वर फारूकी का कहने का मतलब है। इस पर यहाँ आयशा कह रही हैं कि आप बताओ क्या आप मुझसे आई लव यू नहीं बोल कर आए थे? क्या आपने मुझसे ये नहीं कहा था कि आपका ब्रेकअप हो चुका है? क्या ये झूठ था? तो इस पर यहाँ एक बार के लिए तो मुनव्वर फारूकी हाँ बोल देते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था, मैं सिर्फ यहाँ ये चाहता था कि यहाँ किसी को पता ना चले कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन मैं तो यहाँ कहीं ना कहीं तुमसे प्यार तो करता ही हूँ, आयशा प्लीज़ मेरी बात सुन लो। जी हाँ, तो यहाँ प्लीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी आयशा को। अब देखना ये होगा कि आखिर इसका परिणाम क्या निकलता है, आखिर इसके बवाल इसके सिक्वेंस क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ फिलहाल तो आयशा के सामने कम पड़ते हुए या फिर आप ये कह सकते हैं कि झूठे पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुनव्वर फारूकी। बहरहाल यहाँ मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर के बारे में खबर ये भी है कि उन्होंने यहाँ कहीं ना कहीं आयशा को समझा दिया है कि क्या थी इनकी सिचुएशन। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बिग बॉस से जुड़ी सारी खबरें ऐसे ही अपने मोबाइल स्क्रीन पर अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए।